नमस्कार, मैं हूं लवली सिंह। आप देख रहे हैं एन भर समाचार। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जहां एक ओर देश आधुनिक टेक्निकों से लैस हो गया है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक युग में भी कई वर्षों से निर्माण कार्य कार्यकलाप रहा। रेलवे गेट नंबर 85 पर बन रहा फ्लाईओवर का कार्य पूरे तरीके से नहीं बन पा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेसी नेता के द्वारा वैकल्पिक रास्ते की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस पार्टी लीडर, अलीगढ़। हमने ये अलीगढ़ के अंदर जो महानगर के अंदर आता है, स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, रेलवे गेट नंबर 85 जो पुरानी चुंगी के बिल्कुल समीप है, जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है, इस पर ये चलता हुआ रास्ता 4 साल पहले बंद कर सरकार का फैसला, ये डबल इंजन की सरकार का फैसला कि इसको रास्ते को बंद कर एक फ्लाईओवर बनाया गया, बनाने का काम शुरू कराया गया। लेकिन वो बनाने का काम शुरू बहुत देर में हुआ, जिसको रेलवे विभाग ने करीब 2 साल पहले पूर्ण किया। 4 साल पहले रास्ता बंद, 2 साल लगा दिया रेलवे विभाग ने, और ये पुल टंगा पड़ा है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम को दोनों स्लो बनाना था, लेकिन उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने आज तक इसकी तरफ झांकने का काम नहीं किया। और आज यहाँ की जनता आक्रोशित जनता, और ये मुख्य मार्ग कोल विधानसभा बरौली विधानसभा को जोड़ता है, दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता है, तमाम हजारों आबादी को इस यहाँ से आती जाती रहती थी, जो आज जो है रेलवे की पटरियां पार कर जा रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, मरघट और कब्रिस्तान जाने के लिए लोगों को रास्ता उपलब्ध नहीं है, कई किलोमीटर दूर से जाना पड़ता, मेडिकल जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है, ये इससे परेशान जनता, बच्चों को स्कूल जाने तक का रास्ता नहीं है, इससे परेशान जनता आज मेरे साथ सड़कों पर उतरी है और पुल के नीचे बैठी है, और पुल के नीचे प्रदर्शन कर रही है कि इस पुल को तत्काल निर्माण कराया जाए और वैकल्पिक रास्ता कौन दिया जाए। अगर अन्यथा के केस में हमारे पास लोकतांत्रिक विकल्प, अंतिम विकल्प मौजूद रहेगा, क्योंकि इसके पहले मैं 3 प्रदर्शन कर चुका हूं। प्रमुख सचिव से मिलकर मैंने इसके बारे में, पुल के बारे में कार्य करने को कहा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने हमारी फाइल को आगे भी बढ़ाया, लेकिन पुल हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है, हमें बनता हुआ दिखना चाहिए। अगर बनता हुआ नहीं दिखता 30 दिन के अंदर, तो हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, इसकी हम चेतावनी देते हैं सरकार की, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, मेरी नहीं। हम अपनी अंतिम सांस तक इस जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और ये फ्लाईओवर हमारा पूरी तरह से ये बनना चाहिए, और ये रेल की पटरियों से आना जाना, लोगों का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हो रहा है, लोग परेशान हैं, इस जनता को राहत दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है, और हम ये समझते हैं कि सरकार हमारी चेतावनी को जल्द से जल्द समझेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।